चाचा भतीजा जो हैं, जो बिलावल और इमरान, ये पहले से इकट्ठे हैं। ये कभी वो मौलवी का बहाना बनाकर स्टेज पर दाएं और बाएं बैठते हैं, ये यहाँ भी इकट्ठे होंगे। ये इकट्ठे होकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। पाँच पाँच चार चार करोड़ रुपए में एक एक वोट केपीके में बिका है। बलूचिस्तान तो सारी असम्बली की असम्बली बिक गई। और आप ये देखें कि जो लोग एक वोट नहीं बना सकते थे, उन्होंने दो दो और तीसरी सीट के लिए भी वो मुतवक्के हो सकते हैं। जिस तरह के करोड़ों की बातें हुई है केपीके में, जो इनका सूबा है, यहाँ पे ये कहते हैं कि हम बड़ी दयानतदारी से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, हमारे लोग बड़े दयानतदार हैं। अब इनको शर्म नहीं आती, किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हमारे, कभी कहते हैं हमारे 17 बिक गए हैं, कभी कहते हैं हमारे जो है वो 21 बिक गए हैं। तो वहाँ पे करोड़ों की कहानियां सुन रहे हैं, बलूचिस्तान में भी सुन रहे हैं। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि नीलसन और नेस्कोल नाम की दो कंपनियां जो नवाज शरीफ ओन करते थे, बाद में मरियम नवाज शरीफ के नाम की गई, वो एवनफील्ड की असल मालिक हैं। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि इसहाक डार इनके मेन फ्रंटमैन थे और मनी लॉन्ड्रिंग का तमाम नेटवर्क इसहाक डार के जरिए चलाया गया, और वो नेटवर्क के कुछ लोग अब भी पाकिस्तान में अहम पोजीशंस के ऊपर है। और तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो दी गई मुद्दत है उसके अंदर ये ट्रायल खत्म होना चाहिए, और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, जो दोनों पप्पू हैं हसन और हुसैन, उनको वापस लाया जाना चाहिए, और उनको वापस ला करके पाकिस्तान के अंदर जो सजा बनती है उस सजा के मुताबिक उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डीएनए। सईद काजी और गुलाम सर हाजिर है, अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो तो कौम ने देख लिया। अब जोड़ तोड़ शुरू हो रहा है, सेनेट के चेयरमैन कौन बनेगा, डेप्टी चेयरमैन कौन बनेगा, और उस हवाले से क्या फिर पैसा उसी तरह चलेगा जिस तरह से कहा जा रहा है, इससे पहले इलेक्शन में चला, इस पर बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद साहब का नाम दे रही है और उनको एडमेंट है कि उन्हें ही बनाया जाए, और उनकी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रेटरिक है वो भी आप सुन रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर क्या हॉर्स ट्रेडिंग के जो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ने बुलवा लिया है लोगों को, इससे कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। अदलिया भी नून लीग के निशाने पर है, मगर आज फिर मिन्नत तरला शुरू हो गया। नियाल आशमी साहब के वकील ने माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट से, जब उन्होंने वो कैसेट चलाई जिसमें मौसूफ के वो इरशादात थे। अंदर जाते हैं तो तरले शुरू कर देते हैं, बाहर आते हैं नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, कल देखेंगे वो क्या करते हैं। इसी के साथ जनाब तलाल चौधरी साहब और दानियाल हजीज साहब जरा खामोश, सब ड्यूड है अदालत के हवाले से, उन पर फर्द जुर्म आयद की जाने वाली है, वो क्या माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी मांगने के बाद अदालत मान लेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। कराची की सियासत जबू हाल है, कुछ नहीं निकल रहा, असल खेल क्या है अंदर का। और आज जो बड़ी बात की, क्या अल्ताफ हुसैन का रोल दोबारा से जिस तरह से कहा फारूक सत्तार साहब ने, इस पर बात करेंगे। और अवाम का तो बुरा हाल, 2013 के बजट में फरमाया था, आज सुनवाएंगे आपको कि ये गरीबों को घर देंगे, घरों की क्या हालत है, हाउसिंग कितने टिपिंग पॉइंट पे आ गई है, बर्बाद हो गया हाउसिंग का स्ट्रक्चर। और जिस तरह बाकी माशाल्लाह खैर से जो तमाम इदारे और हर चीज़ और जाली अद्वियात के ज़िम्मे में खबरें हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। पंजाब में करप्शन की एक नई स्टोरी चौधरी साहब से पूछेंगे। हुक्मरान मुक्तदर घराने से करीब एक शख्सियत के करीबी अजीज आज पकड़े गए हैं, खैर से कोई चंगा काम भी ना कर। आज करोड़ों की बातें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, करोड़ों बनाने के अलावा आपने काम क्या किया जो अब तक हमें खबरें मिल रही हैं, चौधरी साहब से पूछेंगे। फिर 124 अरब रुपये के घपले हाउसिंग में, साथ ही जो मेट्रो बस 5 अरब का छोटा सा एक घपला, इस पर भी हम बात करेंगे। ये पिंडी इस्लामाबाद की जो बनी है जो बगैर, और कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट में जो खेल हुआ उस पर भी बात करेंगे। और फिर स्कूलों की जो हालत है, ये ज़ाहिर हम जिक्र करते हैं क्योंकि तरक्की के सफ़र में करते रहना चाहिए, ये तरक्की का बड़ा तरक्की तो इन्होंने की है, और इनके हाउसिंग का इन्होंने मसला हल कर लिया है 4 फ्लैट बाहर खरीद के, मगर यहाँ हाउसिंग के साथ क्या हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। जी चौधरी साहब, यहाँ एक और बात, हाँ चीमा साहब के बारे में हम सुन रहे थे, उन्होंने आपके स्टोरी पर पहले आएंगे कि सुना वो अंदर बड़े सुकून से हैं, और जिस दिन से वो अंदर से सुकून में हैं बाहर के लोगों का सुकून जाता रहा। नहीं अब कोई नहीं गया, कल वो पेश हुए ना, पहले दिन तो कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जिस दिन से पुलिस वाले बाहर आई हैं और उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं, उसके बाद सुनाया कि सीएम साहब की तबीयत जरा कुछ सही नहीं है। नहीं सही, वो भी 8 घंटे मीटिंग की उन्होंने। अच्छा, तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा, किन से मीटिंग की 8 घंटे? आपने जो भी कहा। अच्छा चलिए, हाँ जी आगे तो आज क्या, लेकिन वो जाती उमरा नहीं गए, शहबाज शरीफ साहब आज पर सुना। अच्छा क्या 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 खिचड़ी पक रही है? आज वो वज़ीर आज़म जो बाहर गए हुए थे नेपाल, आए हैं फिर हेलीकॉप्टर के जरिए जाती उमरा पहुंचे थे, और उन्होंने वहाँ मशवरा किया नवाज शरीफ ने, वही मिशन फाइंडिंग फाइनल राउंड किया चौधरी साहब।
फाइनल राउंड तो बाद में है ना, पहले ये सैलड के चेयरमैन की बात हुई है और नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज रशीद को मैं चाहता हूँ कि बुलाया जाए चेयरमैन। इस पर क्यों एडमेंट है वो? और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपनारी के साथ लॉयल है और ये है कमिटेड। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको ना बनाया जाए। मुशायद हुसैन सैयद जो है उसका नाम भी आया, उन्होंने कहा भाई बंदे तो बड़े अच्छे हैं, हमने सेनेट में दिया लेकिन बहुत ज़्यादा, और वो ये करेंगे वो करेंगे लेकिन पार्टी जो है उस पर खुश नहीं है कि इस तरह के लोटे जो हैं उनको बनाना बिकेगा नहीं, पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है। तो लोटों के तो एक अमाजगा है पे मुस्लिम लीग नून सारे बैठे हुए हैं, क्या है? तो वो अहमद साहब कौन थे, दानियाल अजीज साहब कौन है, तलाल चौधरी साहब कौन है, राजा जफला का भी नाम आया कोई इस तरह के। फिर ये भी हुआ कभी क्वेटा में जो आज़ाद आए हैं सारे और वो कहते हैं जी बलूचिस्तान से, उनको कोई नायब चेयरमैन की डिप्टी चेयरमैन का बना के उनको साथ मिला लिया जाए। अच्छा। तो यानी लेकिन अभी कोई फैसला नहीं कर पाए, लेकिन नवाज शरीफ परवेज रशीद पर क्योंकि उन्होंने उनका जो मकतर है जज और जनरल उनके खिलाफ अपने मुहाजरा ही करनी है और उसके लिए परवेज इधर पीपल्स पार्टी भी तो आप उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब का नाम दे रहे हैं और उनको फाटा के भी लोग आके मिले हैं, फाटा वाले डिप्टी चेयरमैन मांग रहे हैं, तो दोनों तरफ से जोड़ तोड़ जारी है। तो साहब इसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल जिस तरह सेनेट में पहले पैसा नहीं लगा इसमें भी नहीं लगेगा, आप अग्री करते नहीं? ये मेरा ख्याल है एक फैसला तो हो गया है क्या कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि जिसको भी बनाना पड़े और बनाएंगे लेकिन नून लीग का चेयरमैन और डिप्टी नहीं बनने देंगे ये। अच्छा, ठीक हो। तो उस वाला वो एक तरीके से अनरिटन एक वायदा हो गया। अच्छा ये एक बात बताएं कि जबान में मजीद गिरावट आती चली जा रही है, ये डिस्कोर्स नहीं इसलिए आज मौत नजर आ रही है, बहुत आप समझते नहीं है। जरा सुने, जरा सुने, जरा सुनाए, जरा था सुनाए क्या तलाल चौधरी साहब ने कहा है। सेनेट में और इमरान खान के लिए उसे ये पता नहीं है कि इस उम्र में ना हकीम चलता है ना तवीज चलता है, ये सिर्फ नवाज शरीफ का शेर चलेगा और कोई चीज़ नहीं। अल्लाह की मेहरबानी से कोई क्या काम क्या है, कोई ऐसी करतूत है नहीं ना, लोगों को क्या बताएंगे, हम तो लेकर जाएंगे 5 साल की कारकर्दगी और इन्हें उन्हें आवाम के पास क्या 5 बच्चों की माँ लेके जाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि शादी शुदा ये भी एक मतलब बड़ा बिलो दी बेल्ट था और साथ अच्छा और लूट मार ये लेके जाएंगे। हाँ। आजकल तो मेरा मतलब दिल खट्टा हो गया कि इतने इल्जामात और इतने अरबों खरबों की लूट मार के अलावा कुछ नहीं आता, अब रोज क्या जी क्या बातें करें। अच्छा राणा साहब को सुने, जरा राणा साहब सुनाए जी जो है ये इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब के पास तो इल्मे गैब की सहूलत है, वो तो अपना पिंकी पीर से फाल निकलवा के पता कर लेते हैं कि जी किस किसने कितने कितने पैसे लिए, हमारे पास तो ये सहूलत नहीं है इसलिए हमें तो नहीं पता, और हमारे पास जब तक वो एविडेंस नहीं होगी उस वक्त तक हम जो है वो कोई किसी के ऊपर बिला वजह इल्जाम नहीं लगा। ओ भाई इनको तो होश दिन में तारे नजर आने वाले हैं काजी साहब, अगले 3-4 दिन में बेशुमार इनके एमएनए और एमपीए जा रहे हैं काफ लीग और ये इसमें पीटीआई में डेली बेसिस पर, लेकिन ना भी जाएं, लेकिन मैं तो ये नहीं जाए क्यों ना, इनका पल्ले कुछ नहीं रहा, उखड़ गया इनका इनका खेमे जो उखड़ चुके हैं, शिकस्त इनका मुकद्दर है। वो जो गुजरात में जलसा किया वो देखें वीडियो क्या अभी दिखाएं बाद में, यानी वो पुलिस वाले सरकारी मुलाजमों की हाजिरी लगा। ये मुझे बताएं, ये खुद वकील है, मुझे ये बताएं कि आपके जितने ये जो जितनी कंपनीज और प्रोजेक्ट बने हैं उसमें यार आपने इदारों को यार वो पहले पुलिस वाला देखे इस बयानी और भी बड़े बड़े आपके दानिशवर वो बयानिया बेग गया नवाज शरीफ का, ये क्या तमाचा हो रहा है वो देख ले। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं आप नहीं मान रहे थे, बयानिया केड़ा बेग गया है। ओ भाई ये हो रहा है पुलिस वाला मुलाजमों की और यूसी चेयरमैनों की हाजिरी लगा रहा है कि आया वो पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ये हालत है इनकी और बिक गया हमारा, क्या बिक गया भाई किस्म के ब्याह सरकारी मुलाजमों में मैं इसलिए, और ये बार बार निगरान हुकूमतें आने दें दे, जब ये सरकारी पुलिस और ये इंतजामिया इनके हाथे नहीं चढ़ेगी तो फिर इनका क्या होगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब की भी यही राय थी कि भाई जान ना करो इस तरह, काम चलन दो, धंधा चलता रहे, हमारा काम चलता रहे, मैं लीडर ना बनो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। आप मुझे एक दिन कह रहे थे आज ही बड़ा बयानिया बिक गया है, लोधरा में बिक गया है, फलां जगह बिक गया है, भाई ये उनका व्यू है, कितने बिक गया ये उनका व्यू है, मैं आप वो भी बैठ के खेलेंगे उनका व्यू क्या है, वो ये है वो कहते हैं कि जनरल जो है अपना मुद्दत मुलाजमत पूरी करके घर चले जाते हैं, जज अपनी मुद्दत मुलाजमत करके घर चले जाते हैं, हमने सियासत करनी है, हम सियासत में है,
ہم نے یہاں پرویل کرنا ہے، وہ ان کا یہ نہیں، ان کا یہ پرویل تھا کہ سن اسے دکانداری لان دیو، دکانداری سارا اس پر آپ آتے نہیں ہیں، آپ اس پر نہیں آتے، کس پہ؟ کہ یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، کون آپ پھر وہاں اشرافیہ، کیڑا یعنی وہ بڑے بڑے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ٹھیک تھا، وہ کہتے تھے بھائی جان اسی لیڈر شیڈر کوئی نہیں ہاں، جس دھندے چ لگے ہیں لگے رہیے، اب اسٹیبلشمنٹ پہ حملے بڑھ لیے، آپ ہوئی کو شیوز ہیں ہمارے اب اسٹیبلشمنٹ پہ کریں گے آپ کے خلاف، مجھے آپ بتائیں، آپ کو پتا ہے جو سپریم کورٹ میں دستاویزات پڑی ہوئی ہیں، جو نیب کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس پڑی ہیں، یہ ادھر بھی ہیں، آپ یہ نکل کہاں سے سکتے ہیں؟ ایک کام سیدھا نہیں کیتا، ایک ٹھیکہ سیدھا نہیں دیا، اور آ جاتے ہیں، یہ سنیں ذرا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، سنیں ذرا دوبارہ دیکھ لیں، اور کیا فرمائیں جی، وہ لوگ ہمارے اوپنلی آپ کے علم میں ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی، وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں، اور یہ وہ تحفے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو، آج پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ایک ٹوڈی جماعت ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ مقامی اسٹیبلشمنٹ سے ہم ہو گئے ذرا بڑے پیسے آ گئے ہیں، اب ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ادھر جا کے لابینگ کریں گے، ذرا بڑی پارٹی کو ٹور گئے ہیں، اگر وہ فوٹیج وہ ہے فوٹیج تو دکھائیں جب یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ ہنس رہے تھے، اور شکار کوئی جرنیل کرتا تھا اور مشکور نہیں کہنا چاہیے، شکار اٹھا کے لاتے تھے، یہ میں باتیں نہیں سنائیں ذرا سنائیں۔ آپ شہید ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی فرنٹیئر سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے آیا ہے، اور کوئی بلوچستان سے آیا، اور خود آئے ہیں آپ، آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں لینے کی، خود آئے ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کا مزار وہ سامنے، اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا، ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ Set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact, and I like to pursue those policies. ایک چیز صاحب، ایک تو بات مان لینا، ان کا بھی ہم روکھی سوکھی کھائیں گے مگر فلیٹ برطانیہ میں لیں گے، اربوں روپے کے فلیٹ لیں گے، آپ عوام یہاں روکھی سوکھی وہ دھائیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کے کرتوت کیا تھے کہ ہیلی کاپٹر میں دیگیں لاد کے اسلام پنڈی سے، اسلام آباد سے، پی ایم ہاؤس سے، وہاں کا کنٹرولر جو ہے کھانا پکا کے دیگوں میں لا لوڈ کر کے مری لے کے جا رہے تھے کیا کریں گے، سرکاری پیسے دیں۔ اچھا خیر چلیں، یہ تو میں جو بات، لیکن چوہی صاحب بات یہ ہے کہ اب نحال ہاشمی صاحب نے کل پیش ہونا ہے، تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے دکھائی ہیں نا، باہر نکلتے ہی نیلسن میں نحال ہاشمی نے جو گالیاں دی ہیں ججوں کو، وہ تو انہوں نے کورٹ میں سنائی نا، انہوں نے کہا جی ہم کھل کے بات کریں گے، ہم کریں، اچھا تو سنانی ہے وہ، نہیں ہم نہیں سنائیں گے یار، ہم نے پہلے بھی نہیں سنائی چوہی صاحب، ہم تو دیٹ از ویری بلو، آپ جو پی ٹی آئی کو اور فوج کو ججوں کو گالیاں یہ دیتے ہیں نون لیگ والے، وہ بڑے خوشی سے آپ چلاتے ہیں، نہیں نہیں سر ابھی دیکھو، وی وانٹ ٹو شو دی ریئل فیس ٹو دی پیپل، آپ کی بہو بیٹیاں اور بیگمات کے بارے میں اگر کوئی تبصرہ کرے گا تو آپ کو اچھا لگے گا، روز عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں یہ بکتے ہیں، نہیں نہیں اچھا نہیں، اب تھوڑا بہت اسٹیبلشمنٹ کا ذکر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا ہے، پہلے نہیں تھا، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج عمران صاحب نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی، اچھا وہ سن لے، ان کے اپنے کرتوت یہ ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے میری اطلاع کے مطابق 5 MPA خریدے، ثبوت کیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے اپنا لسٹ بنا لی ہے، ایک خاتون ہے بڑے اور چار دوسرے، چاہیے صاحب ہم نے بکنے اور خریدنے کے علاوہ اس سیاست میں کیا کیا ہے، چانگا مانگا بھول گیا آپ کو، ہم تو اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ کے جرنلسٹ دوست نے فرق بٹی نے ابھی اطلاع دی ہے اسلام آباد سے کہ نیب نے سارا ڈیٹا اکٹھا کر ہے، اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سینٹ میں، یہ سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے، بلیک کا پیسہ ہوتا ہے، سمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے، چوری چکاری اور ڈاکے کی رقم ہے، اس سے ہی لوگوں کو اتنے 5 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ دیے جا سکتے ہیں، کسی کو جائز، اصل ان کی تکلیف پتہ کیا ہے ان کو، ہاں تکلیف یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ اس وقت تمام کے تمام نیب کے پاس ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے، اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے، بس تکلیف ان کی یہ ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ ساری کھیل جو ہے اب میں ابھی کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں ان کے بارے میں اکاؤنٹس کی،
جائیداد. اچھا سنیں یار, سوری میں اکاؤنٹس کی بات یاد رکھیے گا. وہ سعید احمد صاحب جو ہیں اپنے, ان کو بھی انہوں نے جعلی اکاؤنٹوں کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب منی لانڈرنگ کرواتے رہے. وہ جو ان کی منی لانڈرنگ بھی اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے, وزارت خزانہ کی تنخواہ پاکستان سے لیتے تھے, پیسے ان کے سفید کرتے تھے. وہ سعید احمد صاحب کا کیا ہونے والا ہے؟ وہ بھی کو اکیوزڈ ہو گیا, ابھی تک نیشنل بینک میں بیٹھا اور ان کے ساتھ ایک, وہ ظاہر ہے. دیکھیں جی, جس وقت تک جرائم پیشہ مبینہ طور پر جرائم پیشہ لوگ ان سیٹوں پہ نہ ہو, پھر ہم منی تو نہیں لانڈر کر سکتے بھائی. اب یہ جرائم پیشہ گرو ہے, ان کا انجام قریب ہے. آج انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا نا دوبارہ. پہلے وہ بیگم کلثوم نواز بالکل ٹھیک ہو گئی تھی, وہ ان کی صحت, میں اس پہ کہنا نہیں چاہتا, اللہ ان کو صحت دے. نہیں سن لینا, کیا کر رہے ہیں, وہ آ رہی ہیں, وہ ان کو چیئر بتایا کہ وہ ریسرجنس ہوگی اس کی, گردن میں دوبارہ ہو گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. کل تاکہ درخواست دیں کہ یہاں سے بھاگنے کا ارینجمنٹ کیوں, مقدمے ابھی تک. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انہیں بھاگنے کے بہت مواقع دیے گئے ہیں, اور میری یہ راتی رائے ہے, کسی کو میں خبر نہیں دے رہا, کہ بھئی یہ نکل جائیں اور گند نہ پڑے. یہ بھاگنے والے نہیں ہیں, یہ نہیں بھاگیں گے, یہ اخیر ویک کے جائیں گے. نہیں یہ پھر یہ آج یہ شوشہ اس لیے چھوڑا گیا. میں نے آپ کو مائیا کیا سنایا, اب وہ پتہ ہے نا کیا مائیا سنایا تھا. اچھا مطلب یہ انت دیکھیں گے, اور انت دیکھیں بھائی. نہیں سن لے آپ, یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنی ایجنسی کو لگایا ہوا ہے کہ ایک میڈیا ہاؤسز کو روز کی بیسس پر مخالفوں کے کردار کشی کے لیے مٹیریل دیتے ہیں, ان کے ٹیلی فونوں کی ٹیپیں دیتے ہیں. یہ عمران خان خاص طور پر ٹارگیٹ ہے, اور ان کی پارٹی, اس کے بعد جج ان کا ٹارگیٹ ہے. بریک سے آ کر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کراچی کا کیا ہونے, آپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سب سے بڑے لیڈر جو ہیں, جنہوں نے پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے فیتی فیتی کر لیا جو پنجابی میں کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ اب الطاف حسین کو لانا چاہتے ہیں مجھے ناکام کر کے. یہ اور اس سے ریلیٹڈ اور کراچی ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک. نواز شریف ایک نشہ ہے. نشہ تو اقتدار کا ہوتا ہے جسے تکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے, نشہ تو غرور میں شمار ہوتا ہے. آپ کہتی نواز شریف تو ایک سرور ہے, نواز شریف تو ایک کیف ہے, نواز شریف تو ایک کیفیت کا نام ہے, نواز شریف تو ایک حیثیت کا نام ہے, نواز شریف تو ایک انداز ہے, نواز شریف تو ایک ساز ہے, نواز شریف تو ایک راز ہے. لیکن آپ نے فرمایا نواز شریف ایک نشہ ہے. دیا نواز شریف پارٹی صدارت کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے. مریم صاحبہ یہ نشہ اتر گیا, اور آپ جیسے مدح سراؤں نے, آپ جیسے قصیدہ خوانوں نے آج میاں صاحب کو اس مقام پر پہنچایا ہے. دیکھیے پروگرام میرے عزیز ہم وطنوں, پیر سے جمعرات رات 8:03 پر, صرف 24 نیوز HD پر. تیار ہے پورا پاکستان, سجنے والا ہے میدان, کون اڑائے گا وکٹوں کو, کون لائے گا چوکے چھکوں کا طوفان, فیورٹ کھلاڑیوں سے تجزیہ کاروں تک سب ایک ساتھ. دیکھیے PSL کی اسپیشل ٹرانسمیشن کرکٹ کے سلطان, صرف 24 نیوز HD پر. دیکھیے خصوصی پروگرام کرکٹ کے سلطان روزانہ شام 5:00 صرف 24 نیوز HD پر. کھلے اور سیدھے انداز میں سب کہتا ہوں ٹنکی کی چوٹ پر, میری باتیں اکثر چپ جاتی ہیں. میں کرتا ہوں چارہ گری, سیاستدانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید, حکمرانوں کی بدعنوانیوں کا تذکرہ. ویلکم بیک جی قاضی صاحب. اچھا صاحب, کراچی کے حوالے سے جو فاروق ستار صاحب کا آج ایک بیان ہم سن رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ شاید کراچی کو پھر سے الطاف حسین کو ایک لیڈر کے طور پہ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے اس طریقے سے ایک بات کی ہے, گویا ان کا یہ کہنا تھا اگر میں نہیں ہوں, ایک مردہ کو زندہ کیا جاتا ہے. لیکن سوال چوہی صاحب جو میں پوچھ رہا ہوں, بتائیں بھائی کوئی بندہ ایک دفعہ فوت ہو جائے, کین یو برنگ ہم بیک ٹو لائف؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ کی رائے ہے. اچھا یہ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے سن لیں. سنائیں جی. 22 اگست سے پہلے ایسا MQM میں نہیں ہوا, تو اب میرے کارکنان حق پرست عوام اپیل کر دے, ناکام کر دے, لیکن پھر لوگ
अल्ताफ भाई को ही याद करेंगे, फिर वो किसी और को याद नहीं करेंगे। गोया ये कह रहे हैं अगर मैं नहीं तो वो है। अब सवाल ये है चौधरी साहब, बड़ा सीरियसली सवाल उठा दे कि जिस तरीके से पूरा मुल्क, मैं मेरे आप मेरे से इख्तलाफ यकीनन करेंगे कि कराची के लोग भी लीडर लेस हो चुके हैं और तकरीबन इस मुल्क के अवाम का तकरीबन यही हाल है, कोई इनका लीडर कोई पुरसान हाल रह नहीं गया। एक तरफ ये ओलीगार्क्स हैं, ये दौलत के ढेर पे बैठे हुए काले धन पे बैठे हुए लोग हैं, एक अल्ताफ हुसैन साहब वहाँ पे हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक माफियोजी में और माफिया में तब्दील कर दिया था और ये ऊपर अब रेंगलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा भी नहीं है जो कराची के अवाम, कराची में हाउसिंग का क्राइसिस है, कराची में सेहत का क्राइसिस है, कराची में ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है। आज मैं हाउसिंग का फिगर देख रहा था, बदतरीन हाउसिंग जो है वहाँ पे और जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बन रही है वहां पे चौधरी साहब, कोई पूछ नहीं है। यार सियासी बात करें ना, क्या कहना चाहिए? ये सियासी बात नहीं है चौधरी साहब, सियासी बात क्या करूं? सियासी बात ये है कि सारे पैसे रियासत के खुद खा जाते हैं, ना मकान बनाते हैं इस मुल्क में, ना पानी देते हैं, ना सेहत देते हैं, इससे क्या बड़ी सियासी बात है? मुझे सारे चोर तो नहीं कह रहे, कौन सा नहीं है चोर मुझे बताएं, एक बताएं कौन नहीं है जो पावर, जो पावर में रहे हैं कोई बताए? नहीं, नहीं, बहुत सारे लोग यार, फिर वही गल रजा रबानी को मैं सख्त लाभ, यार रजा रबानी साहब तो एक सेनेट के चेयरमैन है ना, इस मुल्क में जो हुक्मरान पहले भी कई जगह रहा है, लेकिन वो बेईमान। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग, मैंने एक आपने नाम पूछा, मैंने बता दिया यार, देखे ना वो सलीम मांडवी वाला जिसको चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी कंसिडर कर रही है, वो बेईमान नहीं है मेरी बात? यानी बात जितनी पार्टीज यहाँ आई है उन पर क्या इल्जाम लगे हैं? क्या अब एक बंदे को तो छोड़ देना, एक होगा एक बंदा एक पार्टी में तो जो वो बड़े नेक आदमी होंगे, जेडी पार्टी आई उसके बारे में यही था, अरबों बना के निकल गए हैं, जिसके पास चार रुपये थे वो 24 अरब ले गए हैं, यही सुनते रहे ना। अब बात क्या कि हमने पॉलिटिक्स को अलहदा कर दिया आम आदमी के मसाइल से, ये इशू है कराची का सबसे बड़ा। कराची में पानी नहीं है, कराची में चिंग चिप ट्रांसपोर्ट है, ये फारूक सलाज किस मर्ज की दुआ है? इसे किस मर्ज की दुआ है कि सारे पैसे जो है पब्लिक के वो खा जो, जिस तरह कल कहा पीएसपी के चेयरमैन के ठेकों की लड़ाई है इनकी, ठेकों पे ये लड़ रहे हैं, नहीं, नहीं। हमें करप्शन 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 पैसे इकट्ठे कर करके अल्ताफ को बेचते हैं, दुबई में देखे इनके घर, लंदन में इनके घर देखे, यहाँ इनकी हालात देखे, उसके बाद ये अब लूज कर गए, अब वो इलेक्शन कमीशन में फैसला होना है कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा नहीं। मैं आपको बताऊं कराची में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ, क्योंकि जहाँ जहाँ जिन जिन जिनकी सोशल बेसिस है ना थोड़ी बहुत इनकी अल्ताफ हुसैन की, और ये क्यों नहीं टूट रही? ये इसलिए नहीं टूट रही कि कोई रियल अल्टरनेटिव आप नहीं दे रहे। आपने रियल, आपने वो देखा है, रियल अल्टरनेटिव दिया था ना भुट्टो ने आके, तो लोग उसके पीछे चले गए थे, आज तक जान नहीं छूट रही। नहीं, फारूक स्टार अगर फारग हो गए परसों, क्योंकि सेनेट से इन्होंने पार्टी को फारग कर दिया अपनी नाकाम हिकमत अमली की वजह से, हर पार्टी के सीटें बड़ी हैं स्वाय एम के एम के आपके सामने ही, और जो एक महीना इन्होंने अपनी मिट्टी प्लीद की है वो कराची के। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं तो एक ही सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं, एक सवाल का जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, सियासत अब क्या सिर्फ माल बनाने का एक पेशा रह गया या लोगों की खिदमत का पेशा? हमने सुना था बचपन में पढ़ते थे ये पैगम्बरों का पेशा है, लोगों की तकदीरें बदलने का पेशा है, और ये अपने इनके बच्चे जो है वो स्काउंडर हुए हुए हैं, इश्तहारी हैं, बाकियों के अगर आज खाते खोल लो इनमें से एक बंदा बाहर ना हो, जिनके घरों के बाहर पुलिस छापे नहीं तो फारूक स्टार साहब नून लीग में शामिल, ये जिनके जिनके जिनको पुलिस यहां पर जवाब आप दे दे, ये शुड बी इन जेल्स, नहीं होने चाहिए, नहीं नहीं ये जेलों में जा रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूं कि जिनको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही होती है, ये जरायम पेशा लोग हैं इस मुल्क के, ये हाउसिंग अभी अभी देखें, अभी आज निकल आया वो क्या नाम है राणा मकबूल साहब, वो भी वो स्टोरी बताएं मुझे, वो राणा साहब के कौन है वो अजीज? अब ये इन्होंने एक सेंटर नहीं बनाया, हां बताएं, राणा मकबूल साहब, हां जी आई जी भी रहे, बिल्कुल रहे, वो जाके वो इनके लायल है पर्सनल फैमिली के लायल, आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने पहुंचे थे एयरपोर्ट, याद नहीं आपको? क्या ये कहानी? तो अब ये है कि वो साहिवाल में इनका ब्रदर ला है जाहिद, वो नैब ने पकड़ा है, क्योंकि वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, लोगों से पैसे बटोर लिए अरबों रुपए, और उनको ना प्लाटों की रजिस्ट्री करा के दे रहे थे, ना पैसे दे, और नैब ने पकड़ लिया, एक हफ्ता हो गिरफ्तार है वो, गिरफ्तार है उसका मुंशी पहले पकड़ा है, यानी मैनेजर या मुंशी न्याज, और ये इनके करतूत है, वो कहते हैं कि राणा मकबूल और इसकी फैमिली और ये सारे अरबों रुपए लूट ले थे, और वहां ये खुद जाके उस हाउसिंग, एक तो आप करते हैं जमहूरियत पे हमले, बंदे पकड़ लेते हैं इनके, बाद में कहते हैं ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? चौधरी साहब आप जमहूरियत पे हमले बंद कर दें, इनकी करप्शन को अगर पकड़ेंगे तो ये जमहूरियत पे हमला है, ये है जमहूरियत पे हमला। अच्छा क्या बाकी की, यानी फारूक स्टार अगर पीपल्स अब ये नून में चला जाए बड़े बेआबरू होके, यानी वहां से निकल रहे हैं पहले एमकेएम से, तो अब वो नून जहाँ के चोरों ठगों को बहुत बड़ी अमाजगा बनी हुई है, और इतनी इतनी चीज़ें आ रही हैं, मैं खुदा की पनाह वाकईतन मैं हल्फन कह रहा हूँ कि रोज़ अरबों खरबों से कम कहा ही नहीं रहा। अब इनके दो बहुत ही अहम वज़ीर हैं, उनके बारे में
इतना बड़ा एविडेंस आ गया, लेकिन आज मुझे मेरे पर एम्बार्गो है कि कल या परसों इंशाल्लाह हम सामने चले। वो तो है, लेकिन मशायद हुसैन साहब की बात हो रही है, उनको भी सेनेट का चेयरमैन बनाने की आज हुई है। बड़े कड़ाके निकालते हैं चौधरी साहब, बड़े कड़ाके निकाले थे उन्हें, मगर कड़ाके निकालते निकालते एंड टाइम पे दाएं बाएं हो गए थे। जब नहीं वो पे मुश्किल वक्त आया, नहीं पढ़े लिखे लेकिन मैं माफ करना जरूर कहूंगा, एक कन्फर्म्ड लोटे हैं, नंबर एक। अच्छा, नंबर दो कन्फर्म्ड खुशामदी है। कैबिनेट मीटिंग में जब पहले होते थे वो वजीर, तो क्या पढ़े लिखे बंदे पे लोटा होने पे पाबंदी है जो नहीं? हाँ। यानी नवाज शरीफ की जितनी खुशामद ये करते थे ना कि जी रात मुझे ख्वाब आ गया आपको 75 साल वजीर आजम रहना चाहिए और ये हो रहा है वो, ये हालत है। तो ये इस मुल्क के लिए ड्रोने ख्वाब यही देखते थे। अच्छा, वो क्या किया मुशाहिदुल्लाह को, आपने पिलाया कि नहीं उनको पानी नवाज शरीफ के पैर धो के? अच्छा नहीं, उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, वो खुद उसका बयान है, आपने बयान है उसका क्या? हाँ, एक चीज सुनानी थी आपको, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को तो MQM भी सपोर्ट कर रही थी, वो बताए क्या कह रहे थे मुशाहिद हुसैन साहब। आई एम सॉरी मुशाहिद हुसैन साहब, इनके पास PMLN का टिकट नहीं है और ये आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी ज्यादा आसानी हो गई कि हम एक आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे 18-20 वोटों से जब ये जीतेंगे तो जब ये मुंतखब होने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो शायद ये MQM को ज्वाइन करें, तो हमें वीजे नहीं चाहिए। लेकिन मुशाहिद हुसैन अगर MQM पाकिस्तान में आते हैं तो मैं इन्हें दावत देता हूँ कि ये आए, और लेकिन इसके बदले में हम इन्हें वोट नहीं दे रहे, लेकिन ये तवक्को जरूर करेंगे कि ये PMLN के साथ भी जरूर निभा करें। ये आ जाए, मैं एक चैप्टर बनाता हूं पार्टी में, MQM पाकिस्तान PMLN चैप्टर, और ये उस चैप्टर की सरबराही करें और MQM में शामिल हो। अब चौधरी साहब इस पे क्या कमेंट करें हम? मुझे आप वो या उधर शामिल हो रहे हैं? नहीं, मुझे ये एक बात बताइए, एक ही बात है ना, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर? नहीं, अच्छा लेकिन चौधरी साहब आज, हां और मैंने कल भी कहा था, दोबारा कहूंगा आपको, कराची हैदराबाद के लोगों को, यानी ऐसा लीडर MQM की कोख से निकले पहले तो ये काम बड़ा मुश्किल है। जो बंदा मुतहरक हो, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी, अगर आप मानेंगे। देखिए, हमने अपने नजायज असासों का नाम जमहूरियत रख दिया। अभी क्या आपने अगर हमारे असासों के बारे में पूछा तो आप जमहूरियत पे हमला करेंगे। ये हमने आके बताना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितनी करप्शन सामने आई है और हर चीमे ने अब तक किन किन के नाम उगल दिए हैं, ये हमने बड़े स्कूल में अंदर वजह क्या है ये बताना। After short break. नवाज शरीफ एक नशा है। नशा तो इख्तदार का होता है जिसे तकब्बुर से ताबीर किया जाता है, नशा तो गुरूर बेशुमार होता है। आप कहती नवाज शरीफ तो एक सुरूर है, नवाज शरीफ तो एक कैफ है, नवाज शरीफ तो एक कैफियत का नाम है, नवाज शरीफ तो एक हैसियत का नाम है, नवाज शरीफ तो एक अंदाज है, नवाज शरीफ तो एक साज है, नवाज शरीफ तो एक राज है, लेकिन आपने फरमाया नवाज शरीफ एक नशा है। दिया नवाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नाहिल करार दे दिए गए। मरियम साहिबा, ये नशा उतर गया और आप जैसे मदह सराओं ने, आप जैसे कसीदा खानों ने आज मियां साहब को इस मकाम पर पहुंचाया है। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों, फिर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ। देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 News HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 News HD पर। खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ, टंकी की चोट पर मेरी बातें अक्सर चुप जाती हैं। मैं करता हूँ चारागरी, सियासतदानों के गलत फैसलों पर तनकीद, हुक्मरानों की बदउनवानियों का तस्करा, और क्यों ना कहूं
मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता, मैं जो कहता हूँ कहता रहूंगा। इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमा रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। की चोरी और धोखेबाजी, आज हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है उस आदमी के खिलाफ। मुल्क, अवाम और समाज दुश्मनों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी। अभी हम लोग उस जगह पर चलते हैं जहां पर वो शख्स मौजूद है और वो शख्स जो है लड़कियों को झांसा देकर उनसे गलत काम करवाता है। बुरे काम का कैसे होगा बुरा अंजाम, देखिए प्रोग्राम अंजाम हफ्ता और इतवार की शाम 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब फरमाइए। ये है कि अभी एक नवाज शरीफ और मरियम साहब एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि नैब अदालतों का बायकॉट किया जाए कि ये हमारे खिलाफ कर दे। क्यों नहीं? नहीं अभी उस पर जा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको 6 महीने बाद ख्याल आया कि ये तो काम जो है ना हमारे खिलाफ जा रहा है, तो इसका बायकॉट कर दें और कॉल दे दें मार्च की इस्लामाबाद पर, और सुप्रीम कोर्ट का और नैब का और यानी नैब कोर्ट का अदालतों का गिराव किया जाए और तहरीक आदल के नाम किसको कॉल करेंगे आपने? ये जिनको लोटे लुटेरे हैं, गवर्नमेंट जिस तरह पटवारी भेजते हैं लोग या, आज वो उनको जो सफाई गिर रहा है यार हाथ दे रहे हैं। ये इनका है, आपका क्या ख्याल है ये कामयाब हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल, ये जो कहते हैं ना बयानिया बिक गया है वो कुछ नहीं, आपके तारीखी शेख उबरा तारीखी नहीं, वो क्या नाम है उनका, जहांगीर करामत साहब का दौर नहीं है ये, जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। जरा ऐसे चौधरी साहब थोड़ी सी खबरें आज डिस्कस कर लें आप। एक तो आशियाना हाउसिंग स्कीम तो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं, सुना है, बड़ी कहानियां उन्होंने सुना दी हैं और बड़े सुकून से हैं अंदर, और जब से वो अंदर सुकून से हैं यहाँ बाहर वालों को खासी परेशानी लाहक है। कायद आजम सोलर पार्क में भी 1,20,00,000,000 रुपये की जो है वो तहकीकत हो रही है और बताया जा रहा है। ये मुझे बता दें या नहीं, आप अपने सीने पर हाथ रख के अल्लाह को हाजिर ने आज कोई ऐसा है कि जिधर हम उठाते हैं तो पता चले कि कोई गफला? क्या वजह है आज मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उसकी वजह क्या? हाँ, पिछले 25-30 सालों से इन्होंने इस समाज में सबसे बड़ी कदर जो और वैल्यू बना दी है वो करप्शन थी, और करप्शन को लेजिटिमेसी दी है इन्होंने। नहीं, नहीं, और आज इनकी तकलीफ ये है। नहीं, नहीं, आप एक देखे ना कब्जा एक एक सुन लेना। पहले आशियाना हाउसिंग, अच्छा सुने ना, अभी इस्लामाबाद मेट्रो 5 अरब का उसमें गफला, मेट्रो लाहौर, लैपटॉप का कितना बड़ा, मैं लैपटॉप का आपके सामने आ गया ना, ये वाहिद जरिए आमदन था इनका। नहीं 20,000 का लेके तो 38,000 का चलें पहले दिया जा रहा था, और अब क्या कहते हैं यूजर ऑडिट पैरा लिखवा दिया कि जी वो 15,000 हमने के जो बंदे लेके जाएंगे जिनको दे देंगे ना अटक में DG खा में वो रिप्लेस करके इंश्योरेंस के पैसे। अच्छा मुझे एक आप बात बताएं, तो आपने बड़े साफ आपने मुझसे बड़े सवाल पूछे। अभी मेरे पास दानिश स्कूलों में इनकी अपनी रिपोर्ट आई है, बच्चों को हेपेटाइटिस सी हो रहा है उसमें गंदे पानी की वजह से, और सी और भी बहुत सी बातें, मगर मुझे सोलर में क्या हुआ है वो सोलर का 120 अरब रुपये का वो उसकी भी करप्शन का इंकशाफ हुआ है, ठेके मंजूर नजर कंपनियों के दिए गए थे। मुझे एक बात बताएं, इनके करीब जाने के लिए सबसे बड़ी आपके पास क्या खूबी होनी चाहिए? पहले सोलर का तो बताएं कायदे आजम, कितने मेगावाट पैदा कर रहा है, कितना पैसा लगा है,
और कितनी लूट मार हुई है। सोलर है ये नंदीपुर देख लें, इसके बाद आप अच्छा इसके अलावा एक और बात देखें ना, ये छोड़ बिजली तो ये कहते हैं बिजली, खैर अभी डेली कहीं ना कहीं लोड शेडिंग हो रही होती है, वो सोलर बिजली जिस कीमत पे बनाई है इन्होंने, इस कीमत पे इन गर्मियों में लोगों का भुरकस निकल जाएगा, जिस तरीके से बिल आने हैं और बिल आ रहे हैं ऑलरेडी लोगों के, बहुत कम एवरेज है जो बिजली पैदा हो रही है। मैं जो आप असल बात कर रहे हैं और उसकी जो प्रोपेगेंडा, अब प्रॉब्लम क्या है, 30 साल आपने इनको इन रियासती इदारों को इनकी लूट मार का जरिया बनाने का आपने इजाजत दिए रखी, अब आप जब आप ये इनके कब्जे थे ये एज अ मैटर ऑफ राइट करते थे, चौधरी साहब ये परेशानी क्या है, ये क्यों आके गालियां देते हैं इमरान खान को, दे रहे हैं उसको, दे रहे हैं उसको, दे रहे हैं अब वो जो अब सुन ये एज अ मैटर, और ये अब कब्जे की लड़ाई, अब वो सुन ले ना, मेट्रो मुल्तान इस्लामाबाद का क्या हुआ, क्या हुआ है, 5 अरब वहां निकला है, अच्छा वो तो निकला हुआ है मुल्तान का ऑलरेडी, उसमें तो नहीं, अब इस्लामाबाद का यार, इस्लामाबाद का तो निकला है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें उन्होंने 28% कुछ, क्या नाम है वो अनीफ अबासी साहब के पास, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ना, अब मसला ये है, मुझे मैं सवाल ये उठाता हूँ कि आप बगैर ऑडिटर जनरल की पाकिस्तान की इंटरवेंशन के बराह रास्त पैसे रिलीज कर रहे हैं, यार ये कौन लोग थे यार, ये आम जमहूरियत है, ये हमारी तरक्की में रुकावट हो रही है, आज इनको तकलीफ क्या हो रही है, आज किसी ने इस रियासत ने खतरे की वजह से जिन्होंने इसको रास्ता दे रखा था आज इनका हाथ रोका, सारे खा जाएंगे तो बनेगा की पीछे तो रहेगा की, तो आप इनको ये कर, अच्छा इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो बना आपको पता है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अजीजों के पास है जहाँ पे अरबों रुपए की मट्टी, मेरे साथ अरशद शरीफ आए थे, मट्टी अरबों रुपए की पड़ गई, अच्छा और फिर वो बड़ी फनी स्टोरी क्या थी कि वहां पे जो कंसल्टेंट रखे थे होम्योपैथी डॉक्टर भी था उसमें, कोई पूछने वाला है ना, अच्छा उनको मैंने 100 दफा का, ये जो आपने टेक्सला इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स था इसकी प्राइवेटाइजेशन में वारदात करते करते जब पकड़े गए कौन आप जो गवर्नर हैं तो उनको गवर्नर लगा दिया बजाय इसके, ओहो ये गलत हो गया, एक 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 शेल कंपनी थी, एक ऐसी कंपनी थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, उसको बेच के फारो हुए थे निकलू थे, एक प्रॉफिटेबल कंसर्न था पाकिस्तान का, अच्छा वो पकड़ा गया, वो सामने आ गया मीडिया में, पुरानी बात है, तो मैंने 10 दफा पूछा, यही निहाल आशमी साहब मेरे सामने एक दफा आए प्रोग्राम में बैठे थे, मैंने कहा हजूर ये पूछेंगे, आपने तो उनको इनाम दे दिया, उधर उधर भेज दिया उनको गवर्नर बना दिया, ये प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा था यहाँ पे, ये है कि ये एज अ मैटर ऑफ राइट यहाँ पे करप्शन की जाती है, ये शराफिया ये समझती है कि ये हमारा हक है और इस हक को जो रोकने ना, नीचे ये छोटे मोटे चोर चकार पकड़ ले चले, और बहुत बहुत खबरें हमने दे लिया हम, तो अब ये हाउसिंग के एक सेक्टर पे आएंगे इसके बाद आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नवाज शरीफ एक नशा है। नशा तो इख्तदार का होता है जिसे तकब्बुर से ताबीर किया जाता है, नशा तो गुरूर में शुमार होता है। आप कहती नवाज शरीफ तो एक सुरूर है, नवाज शरीफ तो एक कैफ है, नवाज शरीफ तो एक कैफियत का नाम है, नवाज शरीफ तो एक हैसियत का नाम है, नवाज शरीफ तो एक अंदाज है, नवाज शरीफ तो एक साज है, नवाज शरीफ तो एक राज है, लेकिन आपने फरमाया नवाज शरीफ एक नशा है। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नाहल करार दे दिए गए। मरियम साहिबा ये नशा उतर गया और आप जैसे मदसराओं ने, आप जैसे कसीदा खानों ने आज मियां साहब को इस मकाम पर पहुंचाया है। देखिए प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। तैयार है पूरा पाकिस्तान, सजने वाला है मैदान, कौन उड़ाएगा विकेटों को, कौन लाएगा चौके छक्कों का तूफान, फेवरेट खिलाड़ियों से तजियाकारों तक सब एक साथ, देखिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के सुल्तान सिर्फ 24 News HD पर। देखिए खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ 24 News HD पर। खुले और सीधे अंदाज में सब कहता हूँ टंकी की चोट पर, मेरी बातें अक्सर चुप जाती हैं। मैं करता हूँ चारागरी, सियासतदानों के गलत फैसलों पर तनकीद, हुक्मरानों की बदउनवानियों का तस्करा, बस अब नहीं, बहुत हो चुकी चोरी और धोखेबाजी। आज हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है उस आदमी के खिलाफ। मुल्क, अवाम और समाज दुश्मनों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी।
अभी हम लोग उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो शख्स मौजूद है और वो शख्स जो है लड़कियों को झांसा देकर उनसे गलत काम करवाता है। बुरे काम का कैसे होगा बुरा अंजाम, देखिए प्रोग्राम अंजाम हफ्ता और इतवार की शाम 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर तजुमा रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंजुल मुल्क में मंतशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं, इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाइल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मर्दूद है, अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले उसका एहसान है, वो रद्द कर दे मर्दूद कर दे वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है, ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मज़लूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्याल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का वेलकम बैक। जी काजी साहब, आज फिर कराची के हवाले से भी बात की है और मजीद भी करेंगे, मगर आपको 2013 में एक जो बजट पेश किया था, जो बजट पेश किया गया था उसकी बात भी सुनवाएंगे और नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था वो भी सुनवाएंगे, और फिर हम जो स्टेट ऑफ हाउसिंग है उस पर बात करेंगे। जी सुनवाएं। इंशाल्लाह अगली हुकूमत आएगी अल्लाह के फजल करम से, मुस्लिम लीग नून की आएगी हुकूमत, इसमें गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिलेंगे इंशाल्लाह, रहने के लिए छत दी जाएगी। अच्छा ये आपने सुन लिया, अब आप सुने जो 2013 के बजट में इसहाक डार साहब ने क्या फरमाया था वो सुना है। की हदायत पर वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स एक नए मंसूबे पर काम शुरू कर रही है, जहां मुमकिन हुआ सरकारी जमीन पर 3 मल्ले हाउसिंग स्कीम का आगाज किया जाएगा, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 500 घर फी कॉलोनी पर मुश्तमिल 1000 कॉलोनियां पाकिस्तान में बनाई जाएंगी, जो कम आमदनी वाले खानदानों में एक शफाफ तरीके के जरिए उसकी तकसीम कार की जाएगी। घरों की तामीर के लिए कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने मार्कअप कॉस्ट का एक हिस्सा खुद उठाने का फैसला किया है, जिसके लिए मौजूदा बजट में 3.5 अरब रुपए एलोकेट किए गए। पंजाब की कामयाब आशियाना हाउसिंग स्कीम की तरह दीगर सूबों में भी ऐसी स्कीमें वफाकी हुकूमत शुरू करने का ऐलान करती है। ये पहले हमारे इश्तिहारी वजीर खजाना थे, अब हमारे इश्तिहारी सेनेटर हैं, और ये 2013 में हमें मकान दे रहे थे। मियां साहब भूल गए हैं मेरे ख्याल में, वो अपने मकानों की बात कर रहे होंगे। अच्छा जो सब मैंने आपसे एक लफ्ज़ है गंदा साढ़े पंजाबी इस्तेमाल होंगे कि असी उत्थे मकाने जा रहे हैं, यानी मर्ग पर जा रही, ये लोगों को पाकिस्तानियों को मारने के प्रोग्राम पर आए हुए थे। हाँ मार ये दे आर आफ्टर किलिंग दिस नेशन। अच्छा मैं अब आपको ये दुश्मन के गमाशते हैं, अब एजेंट हैं, अपना आधा दुबई खरीदा हुआ, नहीं उन्होंने आधा UK खरीदा हुआ है, इनके बड़े और अभी अब आप मेरे से एक शर्त लगाए आज हैं कि अब जो आहत चीमा के बाद कौन है, फाज हसन फाज गिरफ्तार होगा पहले या पंजाब हुकूमत का? मैं इस पे पहले आऊंगा, मैं इनके नहीं ये बताया ना इसका, ये लोग जानना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हु विल बी अरेस्टेड फर्स्ट, पहले मैं ये बता, या एक वफाकी वजीर
या उसका सफाई साहब जब जब होंगे तो अभी तक तो ये बाहर मजे कर रहे हैं पाकिस्तान के पैसों पे। क्या मजे इनके होंगे? मैं बताऊं चौधरी साहब के इस वक्त जो पाकिस्तान में लेटेस्ट सूरत हाल है, इस वक्त तकरीबन 1,10,00,000 मकानों की कमी है इस मुल्क में, इस वक्त जो लेटेस्ट है, और इस कमी में 7,00,000 मकानों की कमी हमें हर साल इजाफा। यार वो मकान तो नहीं बन सके मगर मियां साहब के फ्लैट वहां बन गए हैं, हम मकान देंगे। यार लोगों को छत चाहिए, उनको रोटी चाहिए, ना रोटी ना छत ना इंसाफ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये सुने ना, जो अली ये जो अली डार साहब हैं माशाल्लाह हैं, वहां पे दुबई में छत इन्हें मिल गए, दुबई में इन्होंने बिल्डिंगें बना ली, और बताते हैं सिर्फ 5 मिलियन दिरहम से इन्होंने ये कारोबार शुरू किया था, और सारे लोग लाइनों में, शर्म भी नहीं आती जब डिफेंड करते हुए चौधरी साहब ये बात कर रहे होते हैं, ओए निकलो उन्हें हाल आजमी साहब, ऐसे लगता है जैसे वो खड़े हो। मैं तो हैरान हूँ कि मफरूर आदमी है, उसका अकाउंट भी खुल रहा है वो सेनेट, इसलिए जब आप कहते हैं ना वो गिरफ्तार हो रहा है, किसी गिरफ्तार नहीं होना, सारे दिस इज मेंट फॉर द क्रिमिनल। सर क्या है यहाँ, अभी को पकड़ के अंदर कर दिया है, भाग डाल रहा है हनीमून। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, अभी तक किसी बिग फिश को हाथ पड़ा? अभी आप ये कह रहे हैं कि बैठ के घर में प्रोग्राम बना रहे हैं, अदालतों पर हमले करेंगे, दोबारा किसी ने पूछा इनको? यार ये इनके अभी अभी एक निहाल आजमी साहब अंदर हुए हैं और बाहर आके उन्होंने वो गुलाया है। आज आप मुझे कुछ नहीं होना कल चौधरी साहब के, यानी ये बताएं कि शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और कई दूसरे सेक्रेटरियों और एक वफाकी वजीर और उसके भाई सूबाई वजीर, इनमें से कौन पहले गिरफ्तार होगा? आप इस पर क्यों नहीं आते? मैं ना और मुझे अदाकार ना याद आ गए, एक जगह तक छापा पैंदा है तो पुलिस वालों कहते हैं बेटा जाओ उन्होंने फड़ो जिन्हें कुछ नहीं किया, हमें क्यों पकड़ने आ गए? यहाँ मुजरमों को पकड़ नहीं है चौधरी साहब, ये बड़े मुजरमों के लिए नहीं बनी आपकी, कल बड़े मेरे से क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, वो जाम साकी मर गया 15 साल अंदर रहे, वो लड़ते रहे तमाम मामलों से, अभी ये लोग अंदर होने के लिए, ये जेलें यहाँ पे इन शहीदों के लिए बनी हुई है, इन क्रिमिनल्स के लिए बनी हुई है। ये तो जब अंदर जाते हैं 2 मिनट बाद अस्पताल में चले जाते हैं, एक 5-स्टार किस्म का बेड होता है, इनका कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, इधर से टाइम खत्म होता है, हंसते खेड़ते बाहर आ जाने, कल अगर फिर पकड़े गए तो फिर हार्ट अटैक होगा, फिर वहां जाकर लंबे पै जाने। ये जेलें बनी हुई हैं उन, आज हमने उन क्या खबरें दी हैं, हुर्रियत पसंदों के लिए, परवेज क्रिमिनल परवेज रशीद, ये क्रिमिनल की जेल नहीं है कोई साहब, नहीं है, छोड़ दें। परवेज रशीद को नवाज चीफ चेयरमैन सैलेंट बुलाने पर मुसर है, हाँ जी जी, उसके बाद ये बंदे गिरफ्तार करने लगी हैं, हर चीज में इनके घपले नजर आ गए, कोई नहीं गिरफ्तार, और बेशुमार लोग जो आज की डेट तक MNA और MPS जो है छोड़ के PTI में जा रहे हैं, जेलें, ये इनका जेलें मौतें चीफ और नैरेटिव का ये आलम है कि सिपाही जो है वो हाजिरियां सरकारी मुलाजमों की जलसों में लगा रहे हैं और वो इनके तारीखी जलसे। वक्त खत्म हो गया, हम भी इंतजार में हैं कि क्या जेलों में क्रिमिनल जाएंगे या ये इनके लिए महलाती हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।